ये परमानेंट मैग्नेट और ये इसके अंदर आर्मेचर, अभी पूछा था ना, ये आर्मेचर है और इसमें ये जो कायल की तादाद है, ये टर्न्स की तादाद है, ये बहुत ज़्यादा होती है बेशुमार की। तो ये जब इसके अंदर इस तरह लगाया जाता है इस तरह, तो इसको फिर किसी भी चीज़ की मदद से मूव करवाते हैं, किसी भी चीज़ की मदद से, मीन्स टू से यहाँ पर बेशक पंखा लगा लो या हाथ से इस तरह मूव करवाएंगे। इसको मूव करवाने से क्या होगा, ये इसके अंदर कायल जब मूव करेंगी तो उसका फ्लक्स क्या होता है, चेंज होते हैं। जब फ्लक्स चेंज होगा तो करंट इंड्यूस होगा। अब ज़रा ये देखो, ये सेम वही चीज़ है, बस फर्क ये ओपन किया हुआ है, ये रॉड के आगे ये हमने क्या लगा लिया, एक ढक्कन लगा दिया, कैप है, ये कोई भी बोतल का किसी का लगा सकते हैं। और इसके यहाँ पर ये जो हमारे पास टर्मिनल होते हैं, ये देखो जरा, मैंने उसके ऊपर बस गम स्टिक लगा दिया ताकि टूटे ना, क्योंकि ये बड़ी जल्दी टूट जाता है। ये और इसके अगर ये टेप लगाने का मकसद ताकि ये बार बार टूटे ना, बहुत कमज़ोर इसके टांके हैं। अब जब इसको देखो हम मूव करवाते हैं तो कुछ भी नहीं होगा। अगर तुम्हें फेराडे लॉ याद हो, फेराडे लॉ में क्या है कि जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज़्यादा होगा करंट उतना ज़्यादा इंड्यूस होगा। तो ये देखो, थोड़ा सा मैं अगर ज़्यादा भी कर रहा हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर एक ख़ास स्पीड से ज़्यादा करूँगा तो ये हमारे पास करंट इंड्यूस होगा। तो ये वर्क कर रहा है एज ए जनरेटर। ये मैं मैकेनिकल वर्क कर रहा हूँ, ये सारा क्या वर्क है, मैकेनिकल, और ये उसमें क्या पैदा हो रहा है, करंट पैदा हो रहा है।